वो खुशामदी वो दिल की गहराइयों से बी हाइव, ये अमेरिकन बी हाइव मॉडल है। इस हाइव में बाजा वो निकाला जाता है, और जो पुराना तरीका जो हमारा शहद की मक्खियों का पालना था उसमें बहुत मुश्किल, विलेज इंडस्ट्रीज ब्यूरो में बहुत सारी स्कीमें हैं, तो इन स्कीमों में एक शहद रिबोसस है और कश्मीर में इसको सुलाई कहते हैं। वो जो सुलाई जो है सबसे बेहतरीन। डॉक्टर हिमांशु भी बोर्ड से है, वाइस चेयरपर्सन जो इनकी खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, मेजर साहब दो आर के सिपरी में जो हमारा शहद जो निकलता है वो सबसे ज्यादा शहद जो निकलता है किकर पर, जिसका लोकल नेम है किकर, यहां उसका बॉटनिकल नेम है अकेशिया। इसका जो फ्लेवर, इसका जो विस्कोसिटी, इसकी मोटापन, ये सबसे बेहतरीन है। इसलिए हमने आज ये जो प्रोग्राम जो है ये प्रोग्राम इसलिए मुनक्कद किया है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग जो है इस काम को अपनाएं। राजौरी के माउंटेन टैगन एरिया बहुत ही माउंटेन टैगन एरिया, जहां एक इंसान को पहुंचना बहुत ही हमारे लिए मुश्किल है, हमारे जो मैदानी इलाकों में रहते हैं, वहां भी हमने ट्रेनिंग सेंटर लगाया, वहां के बच्चों को भी हमने ट्रेन करने के लिए उधर एक ट्रेनिंग सेंटर लगाया। हमारा यही मकसद होता नहीं है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जब से भागदौड़ संभाली उनका एक बहुत ही दिल के करीब उनका एक विषय था, वो है हनी मिशन। मैं आपको बताऊं, जब तक हनी भी है तो जिंदगी वातावरण हम सर्वाइव, लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं, हनी भी नहीं है जिंदगी दूरे से रुक जाएगी। यहाँ पे कुछ बच्चों की ट्रेनिंग की जाएगी हनी मधुमक्खी पालन के हवाले से। खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड में हनी मिशन एक हमने मुहिम शुरू की है, जब से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हनी मिशन शुरू किया है। जम्मू कश्मीर में काफ़ी काम किया गया है, इनफैक्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने कुपवारा में सद्भावना के तहत एक साथ 2,233 बी बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट किए फार्मर्स को। तो हम चाहते हैं जो यहाँ पर वातावरण है जम्मू कश्मीर के, पहाड़, पानी, फूल, ये पूरा एक वातावरण है बेस्ट हनी के लिए, जो हम बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ कॉमन फैसिलिटी सेंटर को शुड मार्च के नाम से शुरू किया है एचएमटी में। ये बच्चे ट्रेनिंग करेंगे सारे फार्मर्स पूरे जम्मू कश्मीर, कश्मीर डिवीजन के खासकर, वहाँ पे अपना हनी पहुँचा सकते हैं, जहाँ पे हम उनको बॉटलिंग, प्रोसेसिंग, बॉटलिंग, मार्केटिंग की फैसिलिटीज़ फराहम करेंगे। टू आर आर ने ही हमसे रब्ता किया है, हमारा जो कोशिश मार्च कॉमन फैसिलिटी सेंटर क्लस्टर हमने यहाँ पे बनाया है, ये इनके बहुत करीब है, इनके रबते से ही हम इन बच्चों की ट्रेनिंग दे पा रहे हैं। हम इस टू आर आर का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें यहाँ पे मौका दिया, हम कुछ यहाँ सीखे। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि हमें रोज़ ऐसे मौका दिए ताकि हम कुछ सीख सकें।